हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद रख तो घर में सब लोग सुरक्षित हैं। जी, आपके साथ मैं एक फुटबॉल मैच की जानकारी देने वाला हूँ, जो है सैन जोन्स अर्थक्वेक वर्सेस पोर्टलैंड टिम्बर्स का, जो मेजर सॉकर लीग का ये मैच है। इस विषय में आपको पूरा जानकारी दूंगा। जानकारी देने से पहले आप लोगों का मेरी तरफ से गुजारिश है कि प्यार के नेक्स्ट आइकन फैंटेसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल बटन प्रेस कीजिए। इसमें आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है उसमें पता चल जाएगा कौन सा मैच मैं कवर करने वाला हूँ। फाइनल इंपॉर्टेंट टिप्स और बहुत से न्यूज़ शेयर करते रहते हो, वो मिलने के लिए भी मेरा टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट आइकन फैंटेसी गेम्स के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरत है, जो आप दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। एक है टेलीग्राम, एक है नेक्स्ट आइकन फैंटेसी गेम्स, सर्च करके ज्वाइन हो जाए, या चाहे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई पर लिंक मिलेगा, उसमें क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। दोनों टीम के अंदर जो मैच खेला जाएगा वो सुबह 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की सबसे आभा स्टेडियम मेजर सॉकर लीग ये मैच खेला जाएगा, मैच नंबर 7। और इंडिया में इसका कोई लाइव टेलीकास्ट आप लोग नहीं देख सकते हो। और सैन जोस अर्थक्वेक फ्रॉम ये इसका रिसेंट परफॉर्मेंस का अगर बात किया जाए, ये 5 मैच के अंदर 2 हारा 3 जीता। पोर्टलैंड टिम्बर्स ने 5 के अंदर 3 हारा 1 जीता 1 ड्रॉ किया। और कुछ स्टैट इन्फॉर्मेशन है स्पेशली ये दोनों टीम के अगेंस्ट में, तो पोर्टलैंड टिम्बर्स तो लास्ट 8 मैच के अंदर 7 मैच जीत के आ रहा है सैन जोस अर्थक्वेक के खिलाफ। सैन जोस अर्थक्वेक ने लास्ट 11 मैच के अंदर 5 मैच जीते ये मेजर सॉकर लीग में। और थर्ड नंबर अगर कहना चाहे तो पोर्टलैंड टिम्बर्स फेल किया है 11 मैच के अंदर 8 बार इस कंपटीशन में। तो बेहतर है इस मैच के लिए सैन जोस अर्थक्वेक की सबसे फेवरेट होने वाला है, सॉरी पोर्टलैंड टिम्बर्स फेवरेट होने वाला है। एजम्पशन किया जा रहा है सैन जोस 31%, पोर्टलैंड 35%, ड्रॉ 34% होने का चांसेस है। एट लास्ट 5 मैच अगर हिट टेट का बात किया जाए, पोर्टलैंड टिम्बर्स 3 बार जीते, ड्रॉ हुआ है, और सैन जोस की तरफ से एक ड्रॉ हुआ है 1 बार, सैन जोस ने 1 बार जीता है। लीग टेबल की बात किया जाए, सैन जोस अभी 2 नंबर पोजिशन पर 10 गोल दिया 6 गोल कंसिड किया, पोर्टलैंड टिम्बर्स 24th नंबर पोजिशन पर 4 गोल दिया 8 गोल कंसिड किया। एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 का दोनों टीम का मैं बताऊंगा। सैन जोस के तरफ से गोलकीपर रहेगा मार्टिन हाउसी, 6 गोल सेव किया, मारी ने 1 गोल, बेसन ने 1 ऐसी, जून विथ सालिनस 1 ऐसी, रेमेडी 1 ऐसी, विली 2 गोल, फिरेरो 1 ऐसी, लोपेज 1 गोल, स्पिनजोआ 1 गोल 1 ऐसी, कावल 2 गोल 3 असिस्ट किया। पोर्टलैंड टिम्बर्स के तरफ से एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 होने के चांसेस है एटिना 2 गोल, रैंकिंग, मबियला, जुपारिक, ब्रैबो, डीचारा 1 असिस्ट, विलियमसन 1 गोल, वाईचारा, वालेरी, लॉरिया, इवोसी। और दोनों टीम का अगर एक्सपेक्टेड ड्रीम 11 का मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, जे मार्चिनोस की डिफेंडर निकोलस, ब्रैबो, जुपारिक, मारी, जुंग्रिट, मिडफील्डर इवेली, वैलेरी, डीचारा, और फॉरवर्ड इवोसी, स्पेंजुआ, सिकावल। ये देखिए आप लोग के लिए और एक मैं डेमो ड्रीम 11 टीम में बना के रखा हूँ, जे एटियनला, जुंग्रिट, मबियला, बेसन, इवेली, वैलेरी, विलियमसन, चारा, डीचारा, फॉरवर्ड में वाईचारा, स्पेंजुआ, सिकावल। वाईचारा को मैं वाइस कैप्टन इसलिए रखा हूँ, हेड टू हेड में ये एसिस्ट पोटेंशियल रखा है। और कैप्टन के लिए अगर हकदार कहना चाहूँगे तो यू नील को मैं रखा हूँ ये कैप्टन। आप चाहे तो कैप्टन सी कावल के साथ भी जा सकते हो, मेरे हिसाब से ये रहना बेहतर रहेगा। मैच शुरू होने से पहले फाइनल अपडेट आपको दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।